कोई तो बात तो बताएगा, नहीं कोई तो बोलेगा, कोई तो बात करेगा। संजय प्रशासन क्या बात हो रही है, इन्होंने फीस जो बढ़ाई है वो किस बेस पे बढ़ाई है? और जब बात कर रहे हैं तो मैडम कह रही है कि भैया तो अपने बच्चों को बाहर निकाल लो स्कूल से, इनकी ये वर्डिंग है, तो मैनेजमेंट वाली वर्डिंग बोलना ना करी है या तो वर्डिंग को कौन सा स्कूल है, कितनी फीस है और पूरे साल की मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? ऐसे है इनकी बाल भारती विद्यापीठ के अंदर जो इनकी फीस का स्ट्रक्चर था, जिस बच्चे का 1200 रुपये था, 1300 रुपये था, और जो एडमिशन फीस ये लेते थे, इन्होंने एडमिशन फीस उसमें ज्वाइन कर दी और कह रहे हैं कि हमारा तो ये स्ट्रक्चर है। ऐसे नहीं होता, गवर्नमेंट तो कह रही है कि भी हाँ हमने वो फीस बढ़ाने के लिए स्कूलों रोका है, इन्होंने अपना नजायज बढ़ाया। अरे मैडम का जवाब आ रहा है कि या तो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में ले लीजिए और क्या। तो आप ये कोई आप लोग क्या चाहते हो? चाहते हो तो पुराना स्ट्रक्चर है उस हिसाब से लो, एडमिशन फीस गवर्नमेंट ने मना कर दिया, एडमिशन फीस किस चीज़ के लिए ले रहे हैं ये? सभी की प्रॉब्लम है क्या? क्या नाम है? संजय कुमार। कौन सा स्कूल है? बाल भारती विद्यापीठ। क्या समस्या यही है? जी क्या नाम है? ये जो ट्यूशन फीस लिए जा रहे हैं, क्या इन्होंने ट्यूशन भी हमारे बच्चों को कोई मोबाइल दे रखा है? हमने 15-15, 20-20 हज़ार के मोबाइल लेकर बच्चों को जब उनको काम करवा रहे हैं, और ये ऊपर से बिल्डिंग चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, कुछ कुछ चार्ज ये ले रहे हैं मोबाइल के लिए। आप नहीं बोल सकते बच्चे और स्कूलों में, नालंदा स्कूल है उसमें ऐसा चार्ज लिया जा रहा है, होली फैमिली में ऐसा चार्ज लिया जा रहा है, मान स्कूल में, इस स्कूल में ये चार्ज लिया जा रहा है। एक मिनट आराम आराम से बोलो, ये पेरेंट्स और भी खड़े होंगे, आपके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे यहाँ स्कूल में, क्या समस्या आ रही है भाई? क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या तो है जी बिल्कुल, क्या 1050 थी फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, अब की बार 1800 रुपये करती है। दोनों बच्चों के कितनी होगी मेरे पैसे? बहुत ज़्यादा हो गया। इसके पापा की नाई की दुकान शॉप है, घर पर बैठे हुए अभी थोड़े दिन हुए बस जाने, कैसे हैंडल करें बताओ? पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। ये भी ये पिछले 800 रुपये तो बढ़े रहे हैं, तो वही हम आपके साथ हैं, वही फीस है, तो मतलब बढ़ाने का। लेकिन अब तो जैसे लॉकडाउन था, बंद पड़े थे स्कूल भी, बच्चे भी नहीं आ रहे थे, तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही ना सर? तो आप ये उम्मीद करते हो भाई कम फीस लेनी चाहिए? पिछली फीस नहीं होनी चाहिए, जैसे पिछली फीस नहीं होनी चाहिए, एडमिशन ज्यादा मिल रही है। पहले कितनी थी? पहले 1050 थी, अब 1800 1800 रुपये है, कितनी बढ़ी? 800 रुपये बढ़ गई, 800 बढ़ रहे सर, एक क्लास के लिए, हर एक क्लास के लिए 800, चाहे बड़ी क्लास हो या छोटी क्लास, 800 रुपये बढ़ा दी। एक बात बता भाई, के नाम क्या समस्या हो रही है? समस्या जी मैडम ने नाजायज फीस बता रखी है बच्चों की, जितनी फीस पिछले साल थी वो हम देने को तैयार है, मैडम ले वे आए साल फीस बता दे, हम फीस बदवा गए, अपने बच्चा नहीं पढ़ाऊंगे, इससे अच्छा बेसिक नाम काट दो हमारे वाले। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ा रहे? तो मैडम बताई तो कौन जी बताई, बात नहीं बताई उन्होंने, बता दीजिए। वो तो आप अपनी भाषा बोल रहे, इतनी हमने समझ में नहीं आती इंग्लिश जितनी वो बोलती है। कौन सा स्कूल है? बाल भारती विद्यापीठ। तो ये सारे पेरेंट्स आए हो? हाँ ये सारे पेरेंट्स। क्यों परेशान हो? आपके ही बच्चे हैं स्कूल में, क्या परेशानी आ रही है? आपकी बार इन्होंने फीस बढ़ा दी 800 रुपये। तो आपको क्या उम्मीद थी कि भाई फीस कम होनी चाहिए थी? क्या आपको उम्मीद ये थी कि भाई लॉकडाउन है, जो पिछले साल थी वो की बार ले ले, हमारे को कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अच्छा फीस क्यों बढ़ाई? अच्छा जो गवर्नमेंट के रूल है उसको फॉलो करें, अब ये कह रहे हैं हमने फीस बढ़ाई नहीं। गोहाना के बाल भारती स्कूल में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पे सभी पेरेंट्स जो हैं वो तमाम पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, और पेरेंट्स की सभी की ये शिकायत है कि वो जो फीस पिछले साल थी वही फीस देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फीस इस साल बढ़ा दी गई है, जबकि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से सभी के काम धंधे ठप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल ने, जैसा कि अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल ने फीस बढ़ा दी है, और ये फीस बढ़ी हुई फीस नहीं देना चाहते, तो सभी पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं और स्कूल, अरे स्टाफ है,
सभी ने कह दिया मैं साइन नहीं करता है क्या समस्या हो रही है जी? यह फीस की समस्या हो रही है मैडम, गलत इल्जाम लगा रही है। अभी भी एक ठेक का मांगने आए और करने आए, या फिर परम इस तरह की स्टेटमेंट दे हुए बच्चों के साथ, बच्चों के बगैर उसके अपना वो रिमूव कर दिए, कभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है। क्या जो ग्रुप बना था व्हाट्सएप उससे रिमूव कर दिए? उसे रिमूव कर दिए बच्चे नुबले, आपने कंप्लेंट करी तो इस वजह से बच्चे आपके नंबर रिमूव कर दिए। प्यारे बच्चे कहां मेरे, अरे बात जोड़ दी है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्या अगर पेरेंट्स के और टीचर के बीच में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी तो उसको दूर कर लेते, ये भारत पाकिस्तान का झगड़ा थोड़ा था, तो इन्होंने बच्चों को रिमूव कर दिया, बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। पढ़ा नहीं रहे, नहीं पढ़ाई नहीं रहे, रिमूव कर रखा बच्चों को। और ये स्कूल में पूछने आते हैं भाई रिमूव क्यों कर दिया, कह रहे डीसी के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, कहीं भी जाओ। तो ऐसा क्यों किया, पूछा भी आपने? आपने वो कुछ रिप्लाई नहीं है उनका, तो अभी बात नहीं की आप लोगों ने? बात की थी, कोई सोल्यूशन निकाली नहीं। तो अभी आप लोगों ने क्या किया है, कुछ फैसला लिया? फैसला करेंगे स्कूल से जाके इकट्ठे होकर करेंगे। अगर ये बढ़ी हुई फीस वापस नहीं लेते हैं तो आप बच्चों को बढ़ा देंगे और कुछ करेंगे, कोई कदम तो उठाएंगे और कोई दूसरे स्कूल में डाल देंगे। स्कूल के भी ऐसे नहीं, बस जूत भी खावे, स्कूल के जूत भी खावे, गाड़ी भी खावे और 5 रुपये भी देवे। इतना व्यापारी भी तो एक ऐसा है जो ने सब कुछ दिया, स्कूल का व्यापारी नहीं है, स्कूल भी तो व्यापार करता है। और जब व्यापारी ने सब दिए, अपने वर्कर की तनख्वाह दी, क्या स्कूल दे देगा तो क्या हो जाएगा? ये जो इनका जो घरवाला है बीओ है, वो बीओ के उसमें आ गए, वो सारी आवाज उसमें 29/6 के साइन करें, जो फार्म 6 ये दिखावे है उसमें 29/6 के साइन करें, 29/6/2007 या 2020, उससे पहले जो पिछले साल के 29/2020 उससे पहले क्यों साइन नहीं है उस पर फार्म 6 पे जो बीओ साहब ने हमारे को दिखाया? कहीं ना कहीं अभिभावक परेशान है, इसलिए परेशान है कि फीस बढ़ाकर मिल रही है और एकाएक इनके बच्चों को जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा इनको पढ़ाया जाता था उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिया गया है। अगर कोई कंफ्यूजन स्कूल और पेरेंट्स के बीच है तो पेरेंट्स का मानना है कि वो बैठकर सुलझाया जा सकता था, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने एकाएक उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया और बच्चों की पढ़ाई भी इस तरह से प्रभावित हो रही है। लॉकडाउन की वजह से सभी के काम चौपट हैं और ऐसे में सभी पेरेंट्स भी परेशान हैं। स्कूल मैनेजमेंट जो फाइनल करेगा हमें वो मानना पड़ेगा। इनके बोल अंदर ही है कि जो आप हमें बताओगे वो उसको हम अफेक्ट कर सकते हैं, आपके सुन के आपके मान के नहीं चल सकते। हमने सिर्फ सब लोगों ने एक मुद्दा उठाया था, गवर्नमेंट ने बताया कि एनुअल फी माफ कर दी है, ठीक है। इन्होंने लास्ट टाइम जो था एनुअल फी का अलग कॉलम था, ट्यूशन फी का अलग कॉलम था, एनुअल फी का डिलीट करके ट्यूशन फी में मर्ज कर दिया, तो क्या उससे एनुअल फी खत्म होगी? जो फीस लास्ट साल 1750 रुपये थी 9th और 10th क्लास की, इस साल 10th क्लास की फीस 2490 रुपये होगी, क्या उससे एनुअल फी खत्म होगी? तो एक तरह से इन्होंने चलाके दिखा के वो उसी में कर, बिल्कुल चलाके दिखा के वो कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या फैसला लोगे आप लोग? सर फैसला तो ये, जो गवर्नमेंट ने बताया कि एनुअल फी माफ कर दिया तो उसको माफ करो, और जो लास्ट साल वाली जो फी थी हमारी उसी को लेकर चले, सारे पेरेंट्स उससे एक्सेप्ट करेंगे। सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार से ये डिमांड है सर, जो मैंने बताया कि एनुअल फी माफ कर दी है तो उसको माफ ही करके चलो, ये नहीं कि एनुअल फी हटा के और ट्यूशन फी में ऐड कर दी, वो नहीं चलेगा। जो लास्ट साल ट्यूशन फी 1750 जिस क्लास के लिए थी वो 1750 ही लो आप, उसको एनुअल फी को टुकड़ों में बांट के 2490 मत करो। मतलब ये कि जो पिछले साल जो फी स्ट्रक्चर था इसी साल वो रखा जाए एज इट इज, एज इट इज स्ट्रक्चर रखा जाए लेकिन एनुअल फी माफ करी जाए। तो जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था ऑनलाइन, क्या उनको ये जो विवाद हुआ आप लोगों के बीच उसको हटा दिया, बच्चों को ग्रुप से हटा दिया? ग्रुप से अभी नहीं हटाया, लेकिन मैडम सभी को नहीं हटाया, लेकिन मैडम की बात ही है अगर आपको रखना है तो रखो, डायरेक्ट भाषा में मैडम ने ये बोला है। क्या नाम है प्रिंसिपल मैडम का?
प्रिंसिपल मैम का नाम सीमा शोरान। तो उनसे बात की आपने? सर अभी अंदर ही थे, बीओ सर है हमारे साथ और प्रिंसिपल मैम भी है, सब साथ में थे, सारी पेरेंट्स कमेटी भी उनके साथ में अंदर थी। उन्होंने डिसीजन कोई नहीं लिया, उनका ये कि जो मैनेजमेंट ने कर दिया वही कर दिया, आप हमें आके बोल लो या ना बोलो उसका कोई बेनिफिट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फीस है आप अपने बच्चों को ले जाओ, अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहो तो पढ़ा सकते हो और नहीं पढ़ाना चाहो तो ले जा सकते हो। सरकार ने जो नियम बनाए हैं रूल हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो फिर आप अब दूसरा स्कूल ढूंढोगे अगर इन्होंने? क्यों ढूंढेंगे सर, हम लास्ट हम 4 से 5 साल से स्कूल के साथ है, हमारे बच्चे हमारे भाई जो भी है पढ़ रहे हैं, तो लास्ट वाले को ही चलो ना आप। अब हमें ये क्यों बोला जा रहा है कि आप पढ़ाना चाहो तो पढ़ाओ या फिर चले जाओ, जब इतने साल से हम आपके साथ हैं अभी भी साथ में खड़े हैं, लेकिन आप सही चलो ना। एनुअल फी को खत्म करो तो मतलब खत्म करो, जो आपकी मंथली ट्यूशन फी थी उसको लेके चलो, जो लास्ट थी वो हम पे करने के लिए रेडी है, सबके सब रेडी है, सबके सहमति है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का गुस्सा है और पेरेंट्स का गुस्सा इसीलिए है कि जो पिछले साल फी स्ट्रक्चर था वही इस साल भी लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और स्कूल मैनेजमेंट चाहता है कि फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। और जैसा कि पेरेंट्स ने बताया कि एडमिशन का कॉलम ख़त्म करके जो ट्यूशन फीस है उसी में मर्ज कर दिया है जो बढ़े हुए चार्जेस हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स की एक गुहार है सरकार से भी कि सरकार इस चीज़ में संज्ञान ले और क्लास टाइम भी अपनी मर्जी सेट कर रखे, कोई 7 बजे ले रहा है, कोई अपने टाइम बता रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस लगी होंगी। हाँ लगती तो है भाषा, फिर अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, कभी 7 बजे लगा दी, कभी 3 पीरियड की लग रही है, कभी 4 की लग रही है, कोई सिस्टम नहीं है ना, स्कूल की तरह टाइमिंग नहीं है उसकी। हाँ बता रही मैंने क्लास की 15-10 चला रहे हैं, कभी कुछ चला रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है ना क्लास का भी। जैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, 2 बच्चे हैं तो जैसे एक फोन है तो इसमें एक ही बच्चे के ले सकते हैं हम, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं। ऑनलाइन की भी समस्या हो रही थी, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, पढ़ाई एक बच्चे की, कि भी एक बच्चा कैसे कोर करो, एक बच्चा अपना आप कैसे कोर, फोन कैसे लेके दे सर, 8-9 हज़ार रुपए का फोन आएगा बच्चों को। इसके पहले पापा थे घर पर रहते थे, जब तो कोर हो जाती थी, अब तो इसके पापा जाने लगे, मैम से बात करी, मैम एक लड़की की रहती है मेरी, कैसे ऑनलाइन क्लासेस दूं, मैम बोली जी हम क्या करें, ये तो सबकी समस्या हो रही है, मैं फोन ले लो आप, मैं फोन कहाँ से लूं, एक एट अ टाइम। आपके पास तो कमाई है, आप तो ले सकते हो, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से लेगा, बच्चे पढ़ाएगा, ट्यूशन देगा, बच्चों के लिए फोन लेकर देगा, तो समस्या है आप लोगों की। इसलिए बच्चे हैं, 2 बच्चे उनके पास तो एक ही फोन है, उनको तो प्रॉब्लम हो रही है। प्रिंसिपल मैम थोड़ा सा पेरेंट्स को आश्वासन दे दें कि पढ़ाई आप भी करवाना चाहते हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मुझे मेरे बच्चों से भी ज्यादा प्यार है, इन सबको मालूम है इस बात का, मैम अगर इसीलिए हम सभी करते हैं। एक मिनट आप एक बार सुन तो लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार आप सुन लीजिए ना एक बार मैडम की। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ग्रुप से रिमूव किया है, पूछो दिनेश जी को, बुलाओ दिनेश जी को, चलो आप अंदर चलो। मैं यहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला डीसी के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ। मैडम एक देखिए मेरी किसी से बात, आपने अगर लेटर लिखा है उस लेटर में गलत क्या लिखा है एक बार मेरे को ये बताओ। देखिए मुझे नहीं मालूम आपकी बात किससे क्या हुई है, अगर एक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए तो दूसरे टीचर से पूछ सकते सर। मेरे से आप ही बात लिया, आप एजुकेशन के मैटर में आते हैं ना, मेरे को आपके बच्चे इतने ही प्यारे हैं जितने मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं, इस बात को आप सबकी आत्मा जानती है। प्यारे होते तो ग्रुप से नहीं हटाते सर, अगर कोई बच्चा ग्रुप से हटाया मैं उसे चेक कर लूंगी, मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है, कोई नहीं मैम, ठीक है उसको मैं चेक कर लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ग्रुप से हटा है, आई डोंट थिंक सो। सीमा मैम इनकी पेरेंट्स की एक छोटी सी ये है कि एडमिशन जो है ना, हाँ मेरे को पेरेंट्स ने बुलाया सभी ने, अच्छा तो मैम ये एडमिशन का थोड़ा सा ये है इनका कि आपने वो कॉलम गायब कर दिया है और कहीं ना कहीं जो ट्यूशन फीस है उसी में मर्ज कर दिया है। सर बीओ साहब इसका जवाब दे देंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने आज तक जब से मेरा ये करियर बिगिन हुआ है, अगर मैं एक शिक्षक के नाते एक पैसे की भी चोरी करूंगी तो बच्चा मुझे मेरे व्यवहार से सीखेगा, बच्चा उन शब्दों से नहीं सीखेगा जो शब्द मैं बोलती हूँ, बच्चा मैं इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है, बच्चा उससे सीखेगा। मैंने आज तक कभी भी 1 रुपये 1 पैनी उसको भी मैंने गवर्नमेंट से छुपाया नहीं है, कभी भी मैंने हेरा फेरी और चोरी नहीं की है,
जितनी फीस यहाँ पर पहले पेरेंट्स सबमिट करवाते थे वो फीस मैंने एज इट इज हमेशा गवर्नमेंट को शो की। तो मैम राहत कैसे मिले अब ये इनका? राहत दो महीनों की फीस माफ कर दी है पेरेंट्स के लिए। दो महीने की फीस माफ कर दी गई आप लोगों की? 12,000 रुपए बढ़ा गया और 2,000 रुपए बढ़ाकर 12,000 हो गए, उसमें से 2,000 रुपए घटा दिए, उसमें से 2,000 घटा दिए 10,000। तो मैं एक बारी मैडम की भी सुन लूं, क्या कह रहे हैं मैडम? आप बैठकर कैलकुलेट करवा लीजिए मैडम, आप सभी बैठकर कैलकुलेट कीजिए। 1980 से 1929, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ, मैं एक साल, मैं तो हमेशा से अध्यापक हूँ और मुझे पढ़ाना भगवान ने क्या पता मुझे यहाँ पर इसी जन कल्याण के लिए भेजा हो। जो ये मैडम ये भी जन कल्याण का आपने अंदर सारा समाज सारी पंचायत बैठी थी, एक मिनट में हाथ जोड़ के कह दिया सबको जूते मार दिए कि और जूते किसी को नहीं किया, तो बिल्कुल किसी से नहीं किया। तो अगर इस बात ने भाई ये जूते मारना बात कही नहीं की बदल भाई बात की मैडम 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 वो जूतों से बातों के जूते बहुत तेज होते हैं, बातों के बढ़िया बढ़िया हूँ पता है मेरे को, उन जूतों से उसका गांव भगवान जानता है। मैंने आज तक परम पिता परमेश्वर साक्षी है, मैंने एक अध्यापक के पद को निष्ठा के साथ अपने कार्यों को मैं जो कह रहा हूँ, जो जूते मारने वाली बात है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने जूते निकालो पेड़ उनसे पीना शुरू कर दिया, लेकिन बातों में जो जूते होते हैं ना मतलब कभी भी नहीं होते। ऐसा कोई भी शब्द ऐसा लगता हो जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, मैं माफी मांगी मुसोरी उसका। सर मैं आपके बच्चों के साथ मैनेजमेंट की बात मैनेजमेंट की बात बच्चों के साथ आपको पता है, आप सबको सर पिछले साल से कम मैं पिछले साल से कम कैसे पिछले साल से कम कैसे अगर कम कैसे मैडम ये तो आपको ना कम कैसे, अरे भाई गरीब आदमी है वो फीस नहीं दे सकता। आप सुनो, आप मुझे हमेशा यूँ कहते हो ना कि दो चार बच्चों की मैं फिर ये कही उतनी नाजायज क्यों लग रही है इस सर, एक रुपया भी नाजायज नाजायज नहीं होता, एक रुपया भी नाजायज, एक रुपया नाजायज। देखो एक मिनट लगी जी, आपने कह दिया भाई बिल्डिंग, आपने ये बात बन रही है बिल्डिंग बन के जी, बिल्डिंग पब्लिक के पैसे से बिल्डिंग बन रही है, तो बात तो गलत है जी आपकी। कहने सर नहीं है ऐसा, आप बैठकर बीओ साहब, बीओ साहब देखो सुनो मेरे बात, बीओ साहब परसों मेरे चाचा के पास गए राम कुमार मित्तल के पास, और मेरे आपको दी बुलाम बला के प्रोग्राम है, मैं हमारा अकेला प्रोग्राम नहीं है, सारे समाज का प्रोग्राम, मैं आप सब के साथ किसे के साथ नहीं साथ होने के, अगर इसमें भाईचारे में कभी बच्चे ऑनलाइन वो पढ़ाई नहीं करते जो यहां उस दिन बीओ साहब के सामने गए, नहीं नहीं करना बीओ साहब के सामने, आप ही रात को भी मेरे से समझने आओगे ना कोई बात, मंगल फीमेल ने बिल्डिंग चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आप आप उसको चेक कीजिए क्या हमारी फीस पिछले साल की फीस से कम है, अगर नहीं है तब आप मुझसे क्वेश्चनिंग कीजिए, जब हमने देखा जो फीस पिछले साल की फीस से कम है आप कैलकुलेट कर लीजिए मैडम, सारी कैलकुलेट प्रमाण को प्रमाण जो आपके सामने रखे हैं डॉक्यूमेंट्स वो कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्म 6 पैकेज तारीख में साइन कर रखे मैडम ने, 29 से 2020 में साइन कर रखे पिछले साल वाला जो फॉर्म 6 है, हां हमने कर का है उस दिन पीओ साहब के दफ्तर में चेक, फोटो हमारे पास सर वो उसकी फोटो कॉपी है। देखो मैडम देखो मैडम देखो सीधी सी बात है सीधी, आइए आपको अब दिखा, नहीं हमने तो देख लिया सारे कागज जो ले रहे हैं, कुछ नहीं चलो हमने उड़ा कर दबा दिया। मैं सदा आपके बच्चों के साथ हूँ, साथ हो तो पिछले साल मैडम ये से झूठ मारने वाली बात है, कम का मैडम पिछले साल मारने वाली बात है, मीठा मीठा बोल के ये सारे पागल बन जाए, पागल है को भी तो मीठा बोलना सिखाना, पागल बन जाए और तो के ऐही जुबान दा भांडे मंजवावे, ऐही जुबान राज करावे, जीभ जीभ अच्छी नहीं होगी तो हम डिसरिस्पेक्ट हो जाएंगे और हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे मैडम, हमें मुझे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, मैं सदा आपके साथ हूं। आपकी फीस कितनी लगवा रहा है पिछले साल से कैसे
आप बैठो ना, आओ बच्चों के लिए। मैडम आ रहा तक नहीं लगवा रहा क्या आपने? अपना पानी तो बाहर से मंगवा के खराब पड़े रहे मैडम। सब बच्चे घर से ले जाते आरओ वाले के पास जाइए। आप अपना पानी तो बाहर से मंगवाते हो जगवाड़ो से। आरओ वाले से पूछिए, आप आरओ वाला मार्केट में है, कि हमारे यहाँ आरओ का कितना खर्चा है। फिर आप अपना पानी बाहर से क्यों मंगवाते हो मैडम? सर नहीं मंगवाते हैं मैडम, टैंकर वाले से रोज नहीं लेगा। क्या मंगवाते हैं पानी बाहर से? सर आप पूछिए जाकर आरओ वाले से। अब इसके बाद आपको मैं एक बात और बता दूं, आरओ का पानी मिनरल्स को कम ना कर दे, ठीक है? मैं खुद कभी भी आरओ का पानी नहीं पीती, मैं तो कुएं का पानी मंगवाती सर। मैं सर एक साल सर कोई आरओ का पानी नहीं आता, आप जाकर ढूंढ लीजिए क्या आता है। सर भगवान जाने जाने पिछले 3 साल से नहीं आ रहे इन बातों में कुछ नहीं। पत्रकार साथ में लेके आए हो ना आप, ऐसे कैसे अंदर जाओ और फ्लोर पारो चेक करो। बिल्कुल आप आरो चेक करो। अरे सुनो सुनो सुनो, आप लोग भी प्रिंसिपल मैडम पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल पढ़ाना चाहता है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, मसला वो है, पहले तो उसका हल कर लो ना। आरओ है नहीं है वो तो अभी लॉकडाउन के बाद जैसे भी आएगा, पानी की तो समस्या अलग है। दो महीने की फीस मैडम कह रहे हैं, तो आप लोग सहमति बना लो। कुछ भी आप सच में सॉल्व करवाना चाहते हो है? करवाना चाहते हो? आज है ना 50 आदमी, आज 100 है, कल अगले उसको है ना कभी 200 होंगे, कभी 500 होंगे, कभी कितने होंगे। ये तो मैडम ये कह देगा अपना दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओ। नाम कटाओ। और मैडम एक ये नम्र निवेदन है सभी का, आप ये ना कहें कि बच्चों का नाम कटवा लें, आप समाधान के लिए कुछ ना कुछ इनको आश्वासन दें। आप एक बात बताइए, मैंने अपना आधा जीवन बच्चों के लिए तप करने में, आप इसको कह सकते हैं शिक्षा देने में, क्योंकि मैं खुद एक गांव से आई थी और मैं सबसे पहले कॉलेज एजुकेशन में गई थी। मैंने इसको फोर्सफुली या मेरे ऊपर इम्पोज्ड नहीं है ये प्रोफेशन, फोर्सफुली नहीं आया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है एंड देन आई कम टू द एजुकेशन फील्ड। मैंने इसको बाई चॉइस एडॉप्ट किया है। मेरी इच्छा है कि जो शिक्षा जैसे अच्छे गुरु मुझे मिले, जैसे मैं शिक्षा ग्रहण कर कर आई, मैं उससे भी उत्तम शिक्षा यहाँ के बच्चों को दूँ। आप सब जानते हो मैं अपने बच्चों के साथ शिक्षा के लिए मुझे आज तक किसी ने फीस की और दूर करवा दो मैम, फीस की और दूर करवा दो, फीस की और पिछले साल वाली फीस ले होंगे तो ही बढ़ने तैयार हैं। सुनो मैं फ्री बना दूँ, टाइम दे देते हैं जिस टाइम मैडम जी अपना सोच ले, हम भी दो चार आदमी बैठ कर फैसला कर लेंगे। किसका अगर आपके बच्चे मेरे क्यों परेशान हो रहे? नहीं मैडम, जो आपने कहा ना, जो मैडम चल रहे बच्चों के साथ, सबको मालूम है कि मैडम दिल और आत्मा से अध्यापक है, मैडम को रंजीश का पता ही नहीं है, आप सबको मालूम है। फिर इसका जो जेन्युइन फीस है, अगर स्कूल जेन्युइन फीस करे, ईमानदारी की बात अगर आप मेरे से पूछोगे ना, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन की बात पूछोगे, एक बात बताओ मैडम, आप टीचर की फीस काट रहे होगे, इनको पूरी थी, वो थोड़ी सर बिल्कुल इनको 100% सैलरी दूंगी। नहीं दे रहे मैडम, सर एक मिनट मुझे पूछने दीजिए, कौन सी सिस्टर है आपकी, मैं पूछ लेती हूँ। दिल्ली की सर, मुझे दिल्ली का नहीं पता, महीना तो वो
भी काट मंगा सर, क्या आप में से किसी को सैलरी से, मैं तो आज तो आपके सामने हूँ, सारे यहाँ भरोगे कोई नहीं भरोगे, सर मुझे सर मेरी बात जिसका खाया नमक हो गलत नहीं कह सकता आपको, मैडम बोलो मेरी बात, मैं अपने के बाद में काम करूंगा, के बाद में अगर आपका आप अगर 5000 मरा कोई ना 5000 मरा ना जा रहा आज के दिन नहीं नहीं क्यों रहेंगे, कोई किसी का गुलाम नहीं है, काम करते हैं सब, पूरा भाई से कह रहा है यार रहना आता ना इसलिए बोल रहा हूं, और बात है यही बात है ना, टीचर के ओहदे को नीचे गिरा भैया फिर कर लेंगे हम बता दे यही जो आप सैटरडे को सैटरडे को बैठते हैं मैडम, आप मैंने फिर उसको शॉर्ट आउट नहीं करें, पांच चार आदमी दस आदमी इकट्ठे करके जो मेन आदमी इकट्ठे करके हम 50 आदमी इकट्ठे